अपना शहर अपनी बातें अपना शहर अपनी बातें सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते हम आपके लिए लाते कहीं पे चोरी कहीं पे डाका ब्रेकिंग न्यूज में बघुन टाका मंत्री मोजी पाड़े का न्यूज अपनी चक पटा पटाका पटा पटाका पटा पटाका खबर दर खबर पहुँचे आपके घर देखे न्यूज ये पूरा शहर News, views, and interviews, fresh and hot, without excuse, without excuse, without excuse. So tune in, keep watching, पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते हम आपके लिए लाते कोणार्क अपना शहर अपनी बात। नमस्कार, कोणार्क अपना शहर अपनी बातों के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं शहर की अब तक की कुछ खास खबरों पर। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। 26/11 के मुंबई टेरर अटैक को आज 10 साल पूरे हुए। इसी मौके पर कोणार्क न्यूज व मंच टीवी की तरफ से शहीदों को व शहीद हुए नागरिकों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमले को हुए 10 साल पूरे। इसी संदर्भ में रोटरी क्लब ऑफ उल्हासनगर सपना गार्डन द्वारा सर्वाइवर्स लिफ्टिंग दी व्हील 26/11 इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया सेंट पॉल्स कॉलेज उल्हासनगर 4 में। आइए देखते हैं। मेरे सामने तीन टेररिस्ट लगे हुए थे, उसमें से मुझे अकमल अमीन कसाब को पहचाना था, जो जस्ट सब के साइड में पहले में बैठा था वो था कसाब, जिसने मुझे गोली मारी व कई लोगों को गोली मारी थी, पुलिस ऑफिसर शहीद हुए। उसे तभी मैंने वहां जस्टिफाइड किया, पहचानी की यही आतंकवादी जिसने मुझे गोली मारी। तब मैं बैसाखी से चलती थी, मन तो होता ऐसे की बैसाखी फेंक के मारू, बट मैं कुछ कर नहीं सकती 10 साल की उम्र थी। तब से मैंने एक ही ठान ली रखी कि मैं एक पढ़ लिखी आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ, पूरी टेररिज्म खत्म करना चाहती हूँ, कसाब से बड़े और बड़े बड़े जो आतंकवादी हैं उन्हें खत्म करना चाहती हूँ। मैं कभी आतंकवादी देखा नहीं था, सोचा नहीं था, समझा नहीं था, तो मैंने उसको बोला साहब हम उनको बचाने के लिए कमांडो आ गया, तो उसने गाली नहीं बोल सकता, मैंने दो गाली मेरे को दिया उसने, तो पंजाबी लैंग्वेज सर थोड़ा, तो उसे मैं बहुत गंदा गाली दी, मैंने वो तो बोला गाली क्यों दे रहा भाई, तो वो थोड़ा पीछे हट के ना फिर मेरे को टारगेट बनाया उसने, ऊपर वाला सुन रहे हैं और माँ बाप का थोड़ा भाई बहन हो गए, दुनिया में जीने का था, 10 साल जीने का था, 10वां बर्थडे मेरा। हम रोटरी क्लब उल्हासनगर सपना गार्डन से हैं। 26/11/2008 में जब मुंबई में अटैक्स हुए थे, टेररिस्ट अटैक सीएससी स्टेशन पे, ताजमहल होटल पे, ओबेरॉय होटल पे, उस अटैक्स की आज इस साल 2018 में 10 ईयर्स ख़त्म हो रहे हैं। तो उस अटैक के ओकेशन पे हमारे क्लब ने इनिशिएटिव लिया था, जिसमें हमने उस अटैक के दौरान जो सर्वाइवर्स थे, जो वहाँ पे विक्टिम्स थे, जो आई विटनेस थे, जिन्होंने ये बहुत नज़दीक से देखा, उनको हमने एज ए स्पीकर इन्वाइट किया था हमारे इस इवेंट में। बेसिकली एक टॉक शो था जहाँ पे हमारे एंकर्स ने उनसे कुछ सवाल पूछे कि वहाँ पे कैसा उनके साथ सिचुएशन थी, उन्होंने कैसे टैकल किया। और इस शो के दौरान हमारे यहाँ पे दो स्पीकर्स आए थे जो सर्वाइवर्स थे, और एक डॉक्टर आए थे। स्पीकर जो थे उनमें से पहली स्पीकर थी वो यंगेस्ट सर्वाइवर थी उस अटैक की, उसका नाम देविका रोटान था, और उस लड़की ने कसाब के अगेंस्ट गवाही दी थी, 10 साल की थी जब तब वो, तो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग स्टोरीज उस लड़की की, तो उसको मैं एज अ गेस्ट इन्वाइट किया था, और वो काफ़ी बड़े बड़े लेवल पे शोज करती रहती है। सेकंड जो हमारे इस पे स्पीकर थे वो थे मोहम्मद तौफिक शेख, वो चाय उनका एक टी स्टॉल था सीएससी स्टेशन, उनका आज भी टी स्टॉल है वहाँ पे, तो उन्होंने वहाँ पे काफ़ी लोगों की जान बचाई थी उस अटैक के दौरान, और ये प्रूव करता है कि उन्होंने सिर्फ खुद की जान ना देख कर दूसरों की भी सहायता की थी। इसके बाद हमारे पास एक डॉक्टर, हमारे इवेंट में एक डॉक्टर आए थे, डॉक्टर मौजम खान, जो एक साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने पूरा एक सेशन लिया छोटा सा, जिसमें उन्होंने आफ्टर अटैक्स जो लोग मेंटली डिसेबल होते हैं या मेंटली अफेक्टेड होते हैं उनको वो कैसे उभर पाए उन सब से, उसके ऊपर एक सेशन लिया। और आज का ये इवेंट जो था वो हमारा सेंट पॉल कॉलेज में था, और हम सेंट पॉल कॉलेज के और डॉक्टर एंटनी लॉरेंस सर के बहुत शुक्रगुजार हैं, जो उन्होंने हमको सपोर्ट किया इस इवेंट में। और हमारे इस इवेंट पे आज एमएलए मिसेज ज्योति कलानी एज ए चीफ गेस्ट आए थे, और उनके साथ साथ थारा सिंह दरबार के भाई साहब टिल्लू भाई साहब आए थे। हम हमारे रोटरी क्लब उल्हासनगर सपना गार्डन के भी शुक्रगुजार हैं, हमको इस इवेंट में सपोर्ट किया उन्होंने।
और उल्लासनगर की जनता की भी थैंक बोलना चाहते हैं कि वो इस इवेंट पे आए थे और हमको सपोर्ट किया। इस कार्यक्रम में 26/11 के शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि व साथ ही साथ 26/11 के पीड़ित व जश्नदीद गवाह भी हुए इस कार्यक्रम में शामिल। आइए करते हैं उनसे एक खास मुलाकात। 26/11/2008 को मैं मेरी फैमिली के साथ पूना जा रही थी, CHT गई थी बांद्रा से। वहाँ 12 अक्टूबर प्लेटफॉर्म के सामने बैठे उतने में मेरा भाई बोला मुझे वॉशरूम है। पापा बोले तो टॉयलेट जाके आ जा, फिर हम टिकट निकाल के जाएंगे। जैसे ही वो टॉयलेट को गया गोली फायरिंग हुई और बॉम्ब स्पॉट हुआ। हम भागने की कोशिश की तो कसाब की गोली आके मैं राइट पैर में लगी, मैं गिर गई, बेहोश हो गई। पर बेहोश होने के पहले मैंने उस आतंकवादी को देख लिया था, उसने कई लोगों को गोली मारी, लोग पब्लिक भाग रहे गिर रहे, कुछ समझ नहीं हो रहा था कि तभी क्या चल रहा था। मेरी उम्र 9 साल 11 महीने की थी। वहाँ से फिर मैं बेहोश हुई, मुझे सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल लेके गए। सेंट जॉर्ज देखी कितने जन मरे थे, घायल थे, देख के घबरा गई। वहाँ ऑपरेशन नहीं हुआ, वहाँ से मुझे JJ लेके गए। JJ हॉस्पिटल में करीबन 1.5 महीना एडमिट रही, 6 ऑपरेशन किया गया। जब डिस्चार्ज दिया गया तो मैं मेरे राजस्थान सुमीरपुर गाँव गई थी। फिर मुंबई के रामेंस ऑफिसर से मुझे कॉन्टैक्ट किए, बोले आप कोटला के गवाही दोगे? हमने बोला हाँ, हम गवाही देने के लिए तैयार है। पापा ने दोनों टेररिस्ट को देखा था, मैंने एक ही आतंकवादी कसाब को देखी थी। फिर 10 जून को जाके कोर्ट में गवाही दिया था मेरे। लोगों को मैं एक ही संदेश देना चाहती हूँ, कहीं पर भी कुछ हो तो उससे पीछे ना भागे, उसका डट के सामना कीजिए। अगर आप किसी की मदद नहीं करोगे तो कल जाके आपके में कोई मदद नहीं आएगा। आप ही कहीं फंस जाओगे तो आज उसकी आप मदद नहीं करने जा रहे तो कहीं बोलेगा नहीं इसने भी मेरी मदद नहीं की थी तो मैं क्यों जाके इसकी मदद करूँ। तो आपको लोगों को एक बढ़ना चाहिए, कहीं हादसा हो तो उसे ये नहीं सोचे कि पुलिस के केस में कौन पड़ेगा, कोर्ट कचहरी कौन जाएगा, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हेल्प करना चाहिए। अगर आप हेल्प करोगे तो बाकी भी आपकी तो हेल्प करेंगे ना। मुझे गोली लगी थी उस दिन, मैं 9 साल 11 महीने की थी। जब मैं कोर्ट में गवाही थी तो 10 साल की हो गई थी। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। सेंट्रल पुलिस चौकी पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा 26/11 के शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। आइए आपको दिखाते हैं इसके कुछ दृश्य। 26/11 रोजी जो हॉटेल ताज या ठिकाणी जो हल्ला झाला होता, त्या हल्ल्यामध्ये आपले शहीद अधिकारी आणि जवान शहीद झाले होते, त्या अनुषंगाने 26/11 रोजी पूर्ण आपल्या महाराष्ट्रामध्ये हे करतो आपण आदरांजली वाहत करतो। आपण या ठिकाणी सर्वजण 1 मिनिटासाठी आदरांजली। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के दस दस को एक ने मारा। फिर गिर गए होश थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। 26/11/2008 रोजी जो मुंबई वरती दहशतवादी हल्ला झाला, त्या घटनेला 10 वर्ष पूर्ण होत आहे। आणि त्या हल्ल्यामध्ये जे पोलीस अधिकारी सैन्य दलातील पोलीस दलातील जे अधिकारी जवान शहीद झाले त्यांना मध्यवर्ती पोलीस ठाण्याच्या वतीने आणि जनतेच्या वतीने त्यांना श्रद्धांजलीचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आलेला। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। उल्हासनगर शहर में हो रही हैं बड़ी बड़ी विकास की बातें, लेकिन आपको बता दें उल्हासनगर महानगर पालिका महज रोड के गड्ढे भी नहीं भर पा रही है। आपको हम दिखा दें उल्हासनगर 3 पवई चौक के ये रास्ते की जानकारी हमने आपको कई बार हमारे चैनल के माध्यम से दिखाई है कि किस प्रकार इस ब्रिज की खस्ता हालत होने के बावजूद उल्हासनगर महानगर पालिका द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आइए लेते हैं इसकी पूरी रिपोर्ट। जहाँ एक और शहर भर में विकास की बात की जाती है तो वहीं पे विकास का दर कुछ इस तरीके से आप अंदाजा लगा के देख सकते हैं कि शहर के कई रास्ते जो है काफ़ी ख़राब पड़े हैं, गड्ढों के वजह से आए दिन दुर्घटनाएँ हो रही है। लेकिन प्रशासन और जो नेता है शहर के सिर्फ यही बात कहते हैं कि शहर को हम जो है एक ऐसी जगह पर ले जाएंगे, एक ऐसा विकास करेंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। लेकिन वहीं पर शहर के कई रास्तों की खराब हालत है तो सुधार नहीं पाती प्रशासन और शहर के नेता और विकास की बात की जाती है। शहर में कई बार हमने आपको बताया कि शहर के रास्ते किस प्रकार से खराब है और किस प्रकार से परिस्थिति बनी हुई है। उसी प्रकार से हमने आपको बताया था कि उल्लासनगर कैंप क्रमांक 3 को 4 को जोड़ने वाला श्रीराम के पास से जो ब्रिज बना हुआ है, रेलवे पुल है,
इसका जो है हालात काफ़ी ख़राब है। पिछले कई सालों से जो है लगभग अंदाजे की बात करें तो पिछले 20 से 15 सालों से जो है इसका मेंटेनेंस नहीं किया गया, इसकी परिस्थितियां काफ़ी ख़राब हैं। और यहां पे आपने यदि इस रास्ते से आप गए तो आप देखते होंगे कि इस ब्रिज के पास में जिस तरीके से जो कि लोहे की एक जो कि प्लेट है वो पूरी तरीके से बाहर है, वो किसी भी वक्त यहाँ पर हादसा हो सकता है, हमने आपको बताया था। अब जो है प्रशासन की जो है आप देख सकते हैं कि विकास की दर वो किस प्रकार से है, वो इस प्रकार से है कि ये रास्ते में परेशानी थी लेकिन इस रास्ते के गड्ढे को जो भरने के लिए, उस प्लेट को भरने के लिए जो कि यहाँ पे लगाया गया है वो ये सूखी मिट्टी यहाँ पे लगाई गई है। आप देख सकते हैं कि सिर्फ मिट्टी से जो इस प्लेट को ढक दिया गया है, जो कि फिर 3-4 दिन के बाद ये होगा कि ये सब मिट्टी जो है यहाँ से निकल जाएगी और वो प्लेट है वो फिर से ऊपर आ जाएगी, जिसकी वजह से हादसे होंगे। बहरहाल विकास की बात जिस प्रकार से की जा रही है तो अब देखना ये होगा कि शहर के पहले गड्ढे तो यहाँ पर भर दिए जाए नेताओं द्वारा, प्रशासन द्वारा, फिर उसके बाद नागरिकों को ये कहे कि शहर एक विकास की ओर चल रहा है। कैमरा पर्सन सोनू सिंधे के साथ कुणाल कपूर, कोणार्क न्यूज़। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के आदेश अनुसार शिवसेना की हर एक शाखा में राम भगवान की महाआरती का आयोजन किया गया। आइए आपको ले चलते हैं उल्लासनगर शहर के पैनल नंबर 10 में, जहां इस महाआरती का आयोजन किया गया। शिवसेना पक्षप्रमुख माननीय उद्धवजी ठाकरे हे अयोध्याला शरूर नदीच्या काठी आरती करण्याकरता बोलले, त्याच वेळेस संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये हे आरतीचं आयोजन केलं होतं। त्यात आमच्या तीन नंबर शिवसेना विभाग नंबर 3 तर्फे या आरतीचं आयोजन केलं होतं। कशा प्रकारे ही आरती संपन्न झाली? तो चांगल्या प्रकारे जवळजवळ पाऊण तास आरतीचा प्रोग्राम चालू होता आणि चांगल्या प्रकारे आरती झाली रामाची। आणि त्यामध्ये सर्व समाजाचे लोक या महाआरतीमध्ये सहभागी झाले। सर्वांचे आमच्या 3 नंबर विभागातर्फे हार्दिक आभार। हमारे पक्षप्रमुख उद्धवसिंह ठाकरे साहेब इनके आदेश अनुसार महाराष्ट्र में विभिन्न कोने पे प्रत्येक कोने में एक एक आरती का नियोजन हुआ है, उसी तरह उनकी राह पर हमने यहाँ पर आरती का नियोजन किया है और काफ़ी अच्छा प्रतिसाद मिला है। पब्लिक काफ़ी खुश है और हर धर्म के लोग खुश है। और जैसे उनका नारा है कि पहले मंदिर फिर सरकार, हमारा भी यही कहना है पहले मंदिर फिर सरकार। उल्लासनगर 4 OT सेक्शन में भी शिवसेना द्वारा इस राम भगवान की महाआरती का आयोजन किया गया। आइए ले चलते हैं आपको वहीं। अयोध्यामध्ये राम मंदिर उभारणीच्या दृष्टीने शिवसेना पक्ष प्रमुख माननीय उद्धवजी ठाकरे साहेब यांच्या हस्ते आज महाआरतीचं आयोजन त्या ठिकाणी केलेलं आहे। त्याचाच एक भाग म्हणून आज संपूर्ण देशात ठिकठिकाणी महाआरतीचं आयोजन होत आहे। उल्हासनगर शहरामध्ये देखील ठिकठिकाणी महाआरती आज केली जात आहे। ओटी चौक उल्हासनगर 4 या ठिकाणी देखील नगरसेवक आणि त्याचप्रमाणे उप शहर प्रमुख अरुणजी आशान यांच्या मार्गदर्शनाखाली, त्याचप्रमाणे नगरसेवक सुर्वेजी साहेब, त्याचप्रमाणे सुरेंद्र सावंत साहेब यांच्या सर्वांच्या सहकार्याने आज या ठिकाणी महाआरतीचं आयोजन करण्यात आलेलं होतं आणि हजारोच्या संख्येने लोक या ठिकाणी आज या महाआरतीसाठी उपस्थित झाले। निश्चितच उद्धवजी ठाकरे यांनी जो संकल्प सोडलेला आहे त्यानुसार राम मंदिर हे बनल्याशिवाय राहणार नाही आणि तमाम हिंदू वासियांची
इच्छा ही पूर्ण झाल्याशिवाय राहणार नाही. आमचे हिंदुत्व सम्राट माननीय बाळासाहेब ठाकरे यांनी त्यावेळेस जे कुलूप तोडलं, जी वीट आमच्या शिवसैनिक रचले अभिमानाने सांगितलं, त्यांचं स्वप्न हे निश्चितच भविष्यात पूर्ण होईल याविषयी प्रत्येक शिवसैनिकाच्या मनात कुठलीच शंका नाही. आणि राम मंदिर हे उभारलं जाणारच. जय श्रीराम. जय श्रीराम. कोणार्क अपना शहर अपनी बातें. अखिल भारतीय सिंधी बोली व साहित्य प्रचार सभा साथ ही साथ सिंधू काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मीना गोप रूपचंदानी पर 121वीं सभा का आयोजन किया गया उल्हासनगर 5 के स्वामी हंस मुनि महाराज डिग्री कॉलेज में. आइए आपको दिखाते हैं वहीं के कुछ दृश्य. आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अखिल भारत सिंधी बोली प्रचार सभा का 121वां सेमिनार जो सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ में यहाँ पर मनाया गया था, हमारी अपने उल्हासनगर की साहित्यकारा दादी मीना गोप रूपचंदानी पे, जिसमें सभी साहित्यकारों ने, सभी समाज सेवकों ने उल्हासनगर का नाम रोशन किया है. दादी को आकर प्रणाम करके उन पर जो सेमिनार में शिरकत की है, उन सभी के लिए हम सभी उल्लासनगर वासियों के शुक्रगुजार हैं और ऐसे ही उम्मीद करेंगे कि अन्य साहित्यकारों पर भी सेमिनार होते रहें और हमारे साहित्यकारों की हिम्मत अफजाई होती रहे. जी तो तक बुझाई ढी खुशी थी तो अज 121 सेमिनार असांजी दादी प्रोफेसर मीना रूपचंदाणी, मीना गोप रूपचंदाणी जेके CHM कॉलेज में हेड ऑफ डिपार्टमेंट सिंधी में रिटायर थियल आहिनि, उनजे मथां असां अॼु हिकु साहित्यकार सेमिनार रखियो. असांखे ॾाढी बेहद ख़ुशी आहे त इहो मौक़ो असांजे सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया उल्हासनगर चैप्टर ऐं अखिल भारतीय प्रचार सभा ॾाढा टेकचंद मस्त असांखे ॾिनो. असां उन्हनि जा बि शुक्रगुज़ार आहियूं. इन्हनि में चङनि ई 100 खां वधीक असांजे उल्हासनगर मां साहित्यकार ऐं प्लस ॿिया मेंबर्स अची भाॻु वरितो ऐं ॾाढो सुठे नमूने उन्हनि उनखे ॿुधो. ऐं मां उमेदु कयां थो त अॻे बि अॻिते बि हली सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया अहिड़ा सेमिनार कंदी रहंदी ऐं असां दादीअ जे मथां फ़ख्रु आहे जो असांखे हिननि खे सन्मान करण जो मौक़ो मिलियो. आयो लाल कयो झूलेलाल. प्रोफेसर मीना रूपचंदानी गोप रूपचंदानी के ऊपर ये सेमिनार रखा गया था. आज ये हमारे उल्हासनगर की शान है. सिंधी साहित्य अकादमी की ये सदस्य हैं और आगे भी सिंधी समाज के लिए, सिंधी बोली के लिए, सिंधी साहित्य के लिए जो इनका योगदान है वो अविस्मरणीय है. कोणार्क अपना शहर अपनी बातें. स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई है उल्हासनगर महानगर पालिका द्वारा, लेकिन हम आपको बता दें उल्हासनगर महानगर पालिका भी खुद पालन नहीं कर पा रही है स्वच्छ भारत अभियान का. हम आपको दिखाएंगे उल्हासनगर महानगर पालिका के CFC सेंटर्स के क्या है हालात, किस प्रकार गंदगी फैली हुई है चारों ओर. आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट. पूरे देश भर में भारत को स्वच्छ बनाने के लिए स्वच्छ भारत अभियान का जो है नारा लगाया जा रहा है और जो है विकास कार्य किए जा रहे हैं, ये कह के कि स्वच्छ भारत बनाना है और स्वच्छ भारत की मुहिम जो है शहर भर में चलाई जा रही है. ऐसे में हमारे शहर उल्हासनगर की भी बात करें तो इस मुहिम को चलाया जा रहा है ताकि शहर जो है स्वच्छ रहें. बहरहाल स्वच्छ भारत की ये मुहिम जो है इतनी आसान नहीं है, क्योंकि मुहिम तो जो बना दी गई है लोगों को उससे जोड़ भी रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर करोड़ों रुपये भी खर्च किए जाते हैं. हमारे शहर उल्हासनगर में भी आपने देखा होगा कि कई प्रकार के प्रोग्राम किए जा रहे हैं, स्वच्छ भारत अभियान से लोगों को जोड़ा जा रहा है, लोगों से ये प्रतिज्ञाएं ली जा रही है कि हम अपने शहर को स्वच्छ बनाएंगे. वहीं पे महानगर पालिका अपनी लापरवाही से जो है कहीं ना कहीं फिर से विवादों में आ जाता. तो इस समय हम आपको बताते हैं कि हम हीरा घाट परिसर में मौजूद हैं और आप ये CFC देख सकते हैं. ये है सिटीजन फैसिलिटी सेंटर जो कि नागरिकों के लिए सुविधा केंद्र जो बनाया गया है महानगर पालिका के. अब स्वच्छ भारत अभियान यहाँ पे आपको हम दर्शाते हैं कि किस प्रकार से दिखाई देता है. आप देख सकते हैं CFC के आसपास में काफ़ी गंदगी यहाँ पर दिखाई दे रही है. जो गंदा पानी है नाले का वो दिखाई दे रहा है. खुद CFC में जो कि साफ सुथरा रखना चाहिए, उसकी जो दीवारें आप देख सकते हैं, जो उसकी बॉडी देख सकते हैं पूरी तरीके से वो ख़राब है. वहीं पर पीछे की तरफ यहाँ पर यदि बात करेंगे CFC की दूसरी तरफ जो है लोग शौचालय करते हैं, वहाँ पर पेशाब करते हैं वहाँ पर खुले में, जिस तरीके की स्वच्छ भारत के अभियान के दौरान जो खुले में शौच या फिर खुले में पेशाब करना भी जो कि गलत है, तो वो सारी चीज़ें जो है
सीएफसी के इर्द गिर्द नजर आती है। ये तस्वीरें सिर्फ इसी सीएफसी की नहीं है, ये पूरे उल्लासनगर के किसी भी आप इलाके पे चले जाएं आपको इसी प्रकार से जो है दिखाई देगा कि जो स्वच्छ भारत अभियान की जो एक मुहिम चलाई जाती है, लोगों से प्रतिज्ञा दी जाती है, हाथ में झाड़ू लेके नेता निकलते हैं रास्तों पर और कहते हैं कि हम शहर को देश को स्वच्छ बनाएंगे, वहीं पर खुद महानगर पालिका प्रशासन लापरवाह है और आसपास में गंदगी फैला रही है, लेकिन इसके बावजूद भी किसी भी प्रकार की जो है मुहिम यहाँ पर नजर नहीं आ रही। पहला आप देखना ये होगा कि नागरिकों से ही प्रतिज्ञा लेते रहेंगे या फिर रास्ते पे बड़े नेता झाड़ू मारकर ये बताएंगे कि भारत सही मायने में स्वच्छ हो रहा है। कैमरा पर्सन सुनील सिंधे के साथ कुणाल कपूर, कोणार्क न्यूज। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। संविधान दिवस के मौके पर उल्लासनगर शहर की विभिन्न जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, आइए देखते हैं। संविधान दिवस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का हमारे बहन अर्चना करण काली जी ने रखा है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो उन्होंने इतने बड़े पैमाने पे न सिर्फ उल्लासनगर में एक जगह पे कम से कम 15 से 20 जगह पे जहां पे ये मंडप लगा के संविधान दिवस मनाया जा रहा है। संविधान दिवस की सबको ढेर सारे बधाइयाँ। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो भी संविधान बनाया गया है आज पूरा देश जो बनाए हुए संविधान पे चलते हैं। मुझे याद है वो दिन कि जब भी मैं आमदार था तो हमें वो संविधान के ऊपर जो भी अगर किसको भी कोई भी कायदा कानून हो, चाहे कॉरपोरेशन हो चाहे गवर्नमेंट का जो भी, तो आज उसमें जो उन्होंने संविधान बनाया तो उनके हिसाब से ही चलना पड़ता है। आज इतने बड़ा गौरव की बात है जो ये संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को मिला है, मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। नारायणा ई टेक्नो स्कूल अब आ चुका है आपके शहर के नजदीक यानी कोणार्क मीडोस बड़प गांव में, जिसकी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस स्टार्ट की गई है उल्लासनगर शहर के गुल मैदान पर। आइए लेते हैं अधिक जानकारी। पहली बार मुझे ये लग रहा है कि बहुत ही बढ़िया टाइम है ऐसा कि उल्लासनगर को एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्कूल मिल रहा है। नारायणा स्कूल का मैं फैसिलेटर हूं और मैंने उनको बहुत सारे स्कूल्स दिए हैं। मेरा एम रहा कि उनको उल्लासनगर ले आऊं और उल्लासनगर के बच्चों को एक बहुत ही उम्दा और बढ़िया स्कूल मिले, और ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। कल्याण का हमारा स्कूल जो ऑलरेडी वसंत वैली में है और वहाँ पे हम ऑलरेडी एक 1200 की स्ट्रेंथ, मतलब एक साल के अंदर ही हमने 800-900 एडमिशन्स की है और आज की डेट में हमारे पास ऑलरेडी फ्लो विथ एडमिशन्स, और इस बार हम उल्लासनगर में एक बहुत ही बढ़िया स्कूल नारायणा ई टेक्नो जो कि एशिया का नंबर 1 स्कूल है और आपके बीच में आ रहा है। मैं चाहता हूं कि आप सब इसका लाभ लें और जल्द से जल्द एडमिशन्स करें। द थिंग इज़ दैट इन द एंटायर कंट्री वी हैव द मीन इट्स एशियाज लार्जेस्ट स्कूल इन द मीन इन द स्कूल, बट मेजर थिंग इज़ दैट यू नो वी हैव 40 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस in the teaching field, and always that mean we are giving quality education to the students. If you see that mean from right from nursery to 10th class we are going to teach to the students in such a way that each and every parent is appreciating us based on our teaching technologies. Majorly in e-kids we are following the playway method where we are going to give the techniques to the student. It's like an edutainment. I mean, we are giving an entertainment. I mean, we are giving the studies to the students in the form of edutainment. Whereas in the e-charms also, our competitive exams track will start from e-charms department. That generally we are calling it as a primary program. From primary program onwards, we are giving a training for the student for all type of competitive exams. It is a blend of the, I mean, I can say that here the students will get quality education as well as all other activities we are going to give. If you see that mean every year we are giving good rank, the mean top 10 ranks in IIT and JEE, the mean NEET and as well as JEE. Sir, why sir, ab Mumbai mein first 2015 mein we started one school with a strength of 500.
Then later on, that mean our number of branches are increased. Today, that mean 6,000 students are with us, and all the parents are very happy with our curriculum. And they are very happy. Even recently, that mean last year, in our one of our branch, that mean 10th class is completed. They gave that mean 100% pass percentage, and we gave that mean we got 450 plus an average mark. That is a benchmark. That mean here we are going to give equal priority for both CBSE as well as for competitive track. Hi, we are proudly announcing we are opening the school in Ullasnagar, Warab Konark. Thanks to Sunil Puneja sir for giving this opportunity in Mumbai. My name is Devendra. I'm DGM of Narayanagu Schools, Mumbai. Really, we have six existing schools already in Mumbai. We have very good strength in all six schools. This year, coming academic year, we are going to open two new schools. That is, one is in Ullasnagar, one is in Dombivli. Really, we have 40 years of academic excellence. We are new to this place, we are not new to the academic. Proudly, we are saying we are number one in Asia. We are number one in Asia. Really, we are happy. Once again, I am thankful to Sunil Puneja sir giving this opportunity to Narayana. Really, we already proved in Kalyan. We have very good strength in Kalyan. The academic wise, everything, the Syed sir is taking care of academic, and Satya Rao sir is also taking care of the remaining things. Really, we are very happy in Kalyan. All the parents are feeling very happy. The same thing we are going to continue in Ullasnagar also. This is a completely CBSE school. We are very good in e-techno program. Already admissions are open, admissions are going. We get a very good response in Ullasnagar too. We are very happy that in very less time we got many number of admissions, even we didn't expect. Thank you to Ullasnagar people accepting us in this way. Konark, apna shahar, apni baatein. आइए नजर डालते हैं शहर में घट रही कुछ आपराधिक घटनाओं की ओर। उल्लासनगर 4 ओटी सेक्शन परिसर में पूजा वाघमारे नामक महिला को उसके ससुराल वालों द्वारा दहेज के लिए उत्पीड़ित किए जाने की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है संबंधित महिला को बार बार उनके ससुराल वालों की ओर से दहेज के लिए शारीरिक और मानसिक उत्पीड़ना दी जा रही थी। ये पूरा मामला विठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज और पुलिस आईपीसी की धारा 498A 323 504 506 और 34 के तहत आगे की कार्रवाई कर रही है। उल्लासनगर 4 संभाजी चौक परिसर में वनीता सोनवले नामक महिला के घर में चोरी करने की कोशिश की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है संबंधित महिला के पास ही में रहने वाले आकाश खरसे नामक युवक द्वारा इस महिला के घर में चोरी करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वक्त रहते चोर को पकड़ा गया। ये पूरा मामला विठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज और पुलिस आईपीसी की धारा 380 457 और 511 के तहत आगे की कार्रवाई कर रही है। उल्लासनगर 4 सेक्शन 30 परिसर में सविन रूपचंदानी नामक व्यक्ति के कार को एक टूरिस्ट कार द्वारा ठोकर मारने और कार डैमेज की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है संबंधित व्यक्ति अपने कार से कहीं जा रहे थे, उसी दौरान MH05BJ1101 इस टूरिस्ट कार द्वारा संबंधित व्यक्ति के कार को ठोकर मारी गई। ये पूरा मामला विठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज और पुलिस आईपीसी की धारा 279 284 के साथ 427 के साथ ही साथ मोटर व्हीकल कायदा कलम 184 185-2 के तहत आगे की कार्रवाई कर रही है। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। तो ये थी हमारी अब तक की कुछ खास खबरें। तो फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।